नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल रेल नॉलेज पे। दोस्तों, हमारे बहुत से व्यूअर ने सवाल किया है कि रेलवे में टाइम स्लेक क्या है और ये क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे में टाइम स्लेक के बारे में। जैसे दोस्तों, आपने आमतौर पर देखा होगा कि किसी ट्रेन के लास्ट स्टेशन एवं सेकंड लास्ट स्टेशन के बीच की दूरी तो कम होती है, लेकिन इन दो स्टेशनों के बीच उस ट्रेन का ट्रेवल टाइम ज्यादा रहता है। दोस्तों, इस बात को उदाहरण के तौर पे देखते हैं। दोस्तों, ट्रेन नंबर 14021 दिल्ली सराय रोहिला जयपुर सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन डहर का बालाजी से जयपुर जंक्शन की दूरी 3 किलोमीटर को करीबन 46 मिनट में कवर करती है। तो दोस्तों, यह जो 46 मिनट है यह उस ट्रेन का स्लेक टाइम बोला जाता है। दोस्तों, मान लो यह ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला या दिल्ली सराय रोहिला से डहर का बालाजी रेलवे स्टेशन के बीच किसी कारणवश जैसे सिग्नल प्रॉब्लम, अपने स्टार्टिंग या किसी बीच के स्टेशन पे टाइम से रवाना ना होना या किसी बीच के किसी स्टेशन या बीच में कहीं चेन पुलिंग की वजह से या किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन 30 मिनट या उससे ज्यादा लेट हो जाए, लेकिन फिर भी वह ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन जयपुर जंक्शन राइट टाइम पहुंच जाती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी किसी ट्रेन का टाइम टेबल बनाया जाता है तो रेलवे उस टाइम टेबल में स्लेक टाइम रखता है ताकि ट्रेन अपने सोर्स स्टेशन से लेट चलकर अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे राइट टाइम पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि इंडियन रेलवे में स्लेक टाइम क्या होता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।